इसी इसी कड़ी में एक प्रश्न, क्या प्रश्न तो नहीं है, आपके संस्मरण जानना चाहेंगे। कुमार जी के साथ आप लंबे समय तक रहे और उनके बिल्कुल सबसे करीबी शिष्यों में रहे, एक गुरु के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर, एक साधक के तौर पर कुमार जी को कैसे याद करते हैं आप? देखिए क्या था, देखिए ये गुरु परंपरा आप समझना चाहिए। कुमार जी के पहले मैं देवधर जी के सांगीतिक विचारों से परिचित था और घर में जितने सब बड़े कलाकार थे तो ऐसे लगता था, जैसे भीमसेन जी थे मिसाल के तौर पर, ऐसे लगता था मुझे कि मैं भयानक उनकी तरह घनघोर अगर रियाज में करूं तो उनका गाना मुझे आत्मसात होगा, क्योंकि एक उसमें प्रेडिक्टेबल क्वालिटी थी। जब मेधावी छात्र होता है तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे कई अच्छे सुनने वाले होते हैं, वो गायक आगे क्या करेगा, अपने तेज बुद्धि से, मेधावी अगर बुद्धि हो, तैले बुद्धि अगर वो हो तो समझ सकते हैं क्या करेंगे। पर कुमार जी की एक पहेली थी, मतलब वो मेरे पिताजी ने उनके बारे में लिखा है कि अब्दुल करीम खान साहब के भांति के नहीं पर उस दर्जे के उनकी श्रुतियां स्वर लगते थे, पर उन्होंने किराने घराने जैसा सुर का काम नहीं किया। मतलब एक स्वर को लेके इर्द गिर्द के कणों को लगाते, फिर ग ग म ग ग सा ग म सा ग नि सा ग द नि सा ग द नि सा ग म ग, एक प्रेडिक्टेबल स्तर पर उन्होंने सुर 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 पर रुक रुक के उन्होंने किराने घराने जैसा स्वरों का काम नहीं किया। वो आला दर्जे के लयदार थे पर वो लयकारी करने को नहीं बैठे, मध्यले गाते थे तो जो लयदारपन आ जाता था, बंदिश को जो सूट करता था, तो ऐसा मतलब जैसे हम आगरा घराने को सुनते थे, बबन हलनर जी को सुनते थे या खादिम हुसैन को सुनते थे तो पता चलता था कि अब ये लयकारी करेंगे। कभी कवियों को सुनते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे बॉलर जैसा स्टार्ट लेता है बॉलिंग के लिए तो पता चलता है ये भी बॉल डालेगा, तो ऐसे ही अब तान शुरू करेंगे पता चलता था, तो आधी उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी मालूम होने से आधा उसका चार्म चला जाता था। कुमार जी की तान ऐसी थी कि जैसे बॉलर बगैर स्टार्ट लिए अंदर से एक फास्ट गूगली डाले और श्रोताओं के विकेट जाए। तो ये इनकी पहली क्या है, और जो सीखता जो समझ में नहीं आते वही तो सीखना चाहिए ना, तो ये कुमार जी की पहली समझने हेतु मैं उनके पास गया। तो उनकी ये एक क्या कहते हैं, देवधर जी ने जो उनको जैसे अलग अलग घरानों का एक्सपोजर दिया, ऐसे कुमार जी ने भी हमको दिया। मतलब उनके तालीम का अगर मैं वर्णन करूँ तो मानो बिहाग राग चल रहा है, तो वो देखिए पंचम ने मोठा दे का जो कणों का सर्वस्पर्शित्व है उससे परिचित कर सकते थे। देखो कहते थे आए इसका मजा उठाते हैं, वो उसी भांति गाते थे। शायद उन्होंने जो राजा भैया पूछवाले और ग्वालियर के अन्य बुजुर्गों के संस्कार अपने अंतर में संजोए रखे हुए होंगे उन्हीं को वो याद करते थे, फिर कभी बोलते थे Yeah.
ध्यान दे। तो कवि कहते थे कि ये अलादिया घास के गले में ये मीट नहीं थी, तो उन्होंने बड़े चतुराई से ऐसे सावनी और बिहागड़ा की बातें बताई। मतलब बिहार की अगर मीन निकालो बूढ़ा बड़ा बदमाश था, ऐसे वो दाद देते थे अलादिया का सब, ये कोई गाली नहीं थी। तो इस तरह से आप देखते देखते थे कि अभी आपका ब्याह का रास्ता आप ढूंढो, आपको कैसे गाना है आप सोच लो। मतलब उन्होंने सौंदर्य निर्णय लेने के लिए शिष्य को मोदी जी के पहले आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया कि आपका सौंदर्य निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। आप घराने का या गुरु का गुडविल यूज कर सकते हो, पर कलाकार होने के लिए खुद का संघर्ष करना, खुद संघर्ष कलाकार को करना पड़ता है, यह उनकी सीख थी। उन्होंने कभी उनकी उनकी स्वरचित बंदिश हम पर हावी नहीं की। मतलब मुकुल शिवपुत्र और हम लोग साथ में हमारी बैच थी, उन्होंने हम इतने प्रभावित थे उनके बंदिशों से कि हम गाते थे उनको। पर एकाध बार उन्होंने कोई बंदिश हमको सिखाई भी होगी, पर उनका ये वो कहते थे मेरे विचार लो, मेरा घराना हो कि नहीं हो इसके बारे में मैं बिल्कुल भी सोचता नहीं हूँ। हालांकि अब उनके उनके जो पहले पीढ़ी के जो गायक थे उनका हमको शौक नहीं था, हमको कुमार जी ही अच्छे लगते थे, पर उन्होंने हमको बुजुर्गों के गाने का मर्म समझा के उनका शौक लगाया। जैसे अब्दुल करीम हो, फैयाज का हो, केसर भाई हो, रोशन आरा बेगम हो, बरकत अली हो जी। अब इसीलिए एक बहुत उनका बोल्ड स्टेटमेंट आज से कई बरस पहले आप आया और बहुत चर्चित हुआ कुमार जी का, कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता हूं। संभवतः यही बात जो आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा संगीत, लेकिन अपने अपने हिसाब से उसको सीखो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं गाता हूं या जैसे मैं जो मैं गाता हूं वही आप भी गाओ। और इसीलिए कुमार जी की जो पहचान है वो बहुत बड़ी पहचान इसलिए भी है जो आप कह रहे हैं, घरानों की कुलीगिरी से अलग, जबकि खुद कितने अलग अलग घरानों में उन्होंने तालीम ली थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।